ये देखो मंडे नाइट रॉ इतनी पसंद आ गई कि जो मैं 10 साल पीछे जाके देख रहा हूँ। तो यस जो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं थ्री डी एक्स इतने डाइनो कि आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये अचानक से पुरानी मंडे नाइट रॉ देखने का विचार कैसे आया। दैट इज बिकॉज आई वॉन्टेड टू सी कि आज से 10 साल पहले मंडे नाइट रॉ का क्या सीन चल रहा था। एज यू ऑल नो आज की मंडे नाइट रॉ जो है वो थोड़ी फीकी सी चल रही है, एंड ऐसी मैं देखना चाहता था कि 10 साल पहले ऐसा ही फील आएगा या फिर कैसा फील आएगा, नॉस्टैल्जिया हिट होगा या नहीं। वेल स्टार्टिंग में तो हुआ, बिकॉज जो उनका इंट्रो था ना अभी तो देन नाउ फॉरएवर वाला, उसमें उतना कुछ खास मजा नहीं है। हु नोज कि जो आजकल की जनरेशन है उनको उसमें नॉस्टैल्जिया दिखेगा फ्यूचर में, बट फॉर मी आई थिंक वो वाला जो इंट्रो था जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इट वॉज एपिक। उसका एक एक शब्द हमें याद था, इतनी जल्दी जल्दी हमको वो डायलॉग्स बोलने पड़ते थे कि इतनी जल्दी अगर हम पढ़ाई करते तो शायद हम कुछ और होते। पर मेरा फेवरेट तो वही अक्रॉस द नेशन रहेगा 2005 वाला। नाउ जैसे ही रॉ शुरुआत हुई आई रियलाइज्ड कि जो थीम है वो बेसिकली पावर टू द पीपल का है, यानी कि पिछली मंडे नाइट रॉ में ऐसा हुआ था कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने जो वो कंप्यूटर वाला जनरल मैनेजर था उसको तोड़ दिया था, और उन्होंने कहा था कि भैया आप पावर ऑफ पीपल होगा, यानी कि जो भी लोग कहेंगे सिर्फ वही चलेगा, यानी कि वोटिंग होगी जस्ट लाइक साइबर संडे, मैचेस को ऑडियंस डिसाइड करेगी एंड स्टिपुलेशन वगैरह वगैरह। सीएम पंक ने स्टार्ट किया अपना प्रोमो, बेसिकली स्ट्राइक दे दी थी, जो समर ऑफ पंक जहाँ से शुरुआत हुई थी बेसिकली वो यही था, जहाँ पर सीएम पंक को चैंपियनशिप मैच चाहिए था फॉर मनी इन द बैंक, हालांकि उन्होंने बताया नहीं था कि क्यों, वो बाद में बताएंगे। एंड कंप्यूटर ने बताया कि ठीक है भैया डेल रियो वर्सेस पंक वर्सेस मिस्टीरियो का मैच अनाउंस करते, मेरे को पहले लगा कि भाई ये मैच ना मेन इवेंट में होगा, क्योंकि भाई तीनों सुपरस्टार देख लो कैसे हैं और जिस चीज के लिए हो रहा है, यानी कि एक तरह से चैंपियनशिप मैच मिलेगा तो फिर उसके लिए भी मेन इवेंट तो बनता था, बट पता चला वो बीच में ही मैच हुआ। खैर जो पहला पावर टू द पीपल आया वो आया ब्री वेला के लिए, ब्री वेला वर्सेस कौन लड़ेगा उनसे डीवस चैंपियनशिप के लिए। मेरे को तो पहली बार मेरे को अब पता चला कि ब्री बेला भी कभी डीवस चैंपियनशिप जीत रखी थी, मेरे को तो लगा था कि सिर्फ निकी बेला ने ही टाइटल जीती है, बट खैर दैट्स अ डिसरिस्पेक्ट टू हॉल ऑफ फेमर्स। और इस मैच में केली केली ने मैच जीतकर ब्री बेला को हरा के चैंपियनशिप जीत ली, एंड जो रिएक्शन था ना वो वैसा रिएक्शन था जैसे आज आरट्रूथ 24/7 चैंपियनशिप रिटेन कर ले 170th बार, एक तरह से नो रिएक्शन टाइप। जो जितने लोग खुश भी हुए होंगे वो आपको पता है कि क्यों हुए होंगे। ब्री बेला वर्सेस केली केली, नॉट गोइंग टू हेट ऑन दिस मैच बिकॉज फीमेल डिविजन उस टाइम पे था ही ऐसा, नो बडी केयर्ड। एवन बर्न का मैच आता है एंड एवन बर्न के लिए लिटरली लोगों ने वीडियो पैकेज निकाला था, उसको प्रमोट कर रहे थे कि हम एवन बर्न को आगे बढ़ा रहे हैं, प्लीज सपोर्ट करो। सपोर्ट भी क्या करा ऑडियंस ने, ऑडियंस ने मेशन रायन के अगेंस्ट मैच करवा दिया और मेशन रायन ने धुल दिया, जिसके लिए बिचारों ने इतनी बड़ी फिल्म देखी कि भैया एवन बर्न क्या है क्या है क्या है, और मेशन रोयन रायन ने आके पेल दिया एवन बर्न को, कहानी खत्म, WWE से बाहर। आई एम जस्ट किडिंग, बट इन द एंड वी ऑल नो द रिजल्ट राइट, एवन बर्न तो WWE से गए ना। देन आया मार्क हेनरी वर्सेस केन का मैच, ओ मैन बिग ओल्ड बिग गाइस फाइटिंग ईच अदर, मार्क हेनरी वर्सेस केन, ऐसा लग रहा था पता नहीं कौन सा मैच होगा, लेकिन ऑडियंस ने क्या चुना, आर्म रेसलिंग मैच। मेरे को नहीं लगा कि ऑडियंस ने चुना है, बिकॉज जैसे ही आर्म रेसलिंग मैच अनाउंस हुआ क्राउड की तरफ से बू की आवाज आई, एंड आई वाज लाइक ओके अगर इन्होंने ही वोट करा तो ये थोड़ी ना बू करेंगे, इसका मतलब WWE ने पावर टू द पीपल के नाम पे अपना ही कुछ प्लानिंग कर रखी है, जो कि बेसिकली अब भी होता आ रहा है, आपकी चलेगी करके चलती उन्हीं की है, जो कि होना भी चाहिए। जिस दिन हमारी चलने लग जाएगी उस दिन तो WWE बर्बाद हो ही जाएगी, क्योंकि हम रेसलिंग फैंस का एक्सपीरियंस उतना ही है रेसलिंग के अंदर जितना WWE वालों का एक्सपीरियंस है कंप्लेन करने में। मतलब सही बात है ना, WWE वालों को रेसलिंग करने दो और हमें कंप्लेन करने दो, क्यों एक दूसरे का काम बढ़ा रहे हैं। रिजल्ट तो क्या ही था, मतलब आर्म रेसलिंग मैच का कभी रिजल्ट आया है, कभी सुना है कि आर्म रेसलिंग मैच में वो बंदा जीत गया? और नहीं, मार्क हेनरी ने चीटिंग करी, बाद में केन को जो धोया है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद ये वही वाला मैच था जिसकी वजह से केन बहुत टाइम के लिए बाहर हो गए थे एंड देन रिटर्न करा था विद मास्क जब जॉन सीना एंड केन का मैच हो रहा था, जॉन सीना और मार्क हेनरी का मैच हो रहा था। और जहां तक मेरे को याद आ रहा है इसके बाद भी शायद कुछ हुआ था जब मार्क हेनरी ने एक्चुअली में चेयर से अटैक किया था और केन की पैर पे चेयर से फंसा के अटैक किया था। आई डोंट नो, बट हाँ इसे देखकर लग रहा था कि यहाँ से भी अगर केन इंजर्ड हो गए और तब रिटर्न किया हो तो भी कोई शॉक की वाली बात नहीं होगी। खैर आर्ट्रूथ आते हैं
एंड ऑल ऑफ अ सडन आई रियलाइज कि ओ ये वाला टाइम है जब आर्ट्रूथ वर्सेस जॉन सीना का मैच चल रहा था। आर्ट्रूथ बिना थीम सॉन्ग के आते थे। बेसिकली कैपिटल पनिशमेंट में जो जो हारे थे वो सब रिंग के अंदर थे, आर्ट्रूथ, क्रिश्चियन, द मेज, एंड इट वॉज अ फन सेगमेंट। अगर शायद मेरे को उस टाइम पे इतनी अच्छी इंग्लिश आती तो शायद मेरे को तब भी मजा आता, बट अभी देख रहा हूँ तो शायद अभी ज्यादा मजा आ रहा है मेरे को। और वहां पे 6 मैन टैग टीम मैच अनाउंस हुआ, और मैं आपको बता देता हूँ कि पूरी रॉ के अंदर सबसे तगड़ा रिएक्शन तब आया जब टेडी लॉन्ग ने अनाउंस किया आर्ट्रूथ एंड क्रिश्चियन एंड द मिज फेस करेंगे एलेक्स रायली, सीना एंड ऑर्टन। तो जब उन्होंने सीना एंड ऑर्टन का नाम लिया, क्राउड जो फटी है, मैंने ऐसा रिएक्शन एक्सपेक्ट किया ही नहीं था। मतलब आज जैसे ब्रॉक लेसनर रिटर्न कर जाए, जितना क्राउड का रिएक्शन होगा वैसा रिएक्शन तो उनके नाम के बोलने पर आ गया था। सो सोचो उस टाइम पर इंटरनेट मतलब था तो, बट उतना इन्फ्लुएंस ना होने की वजह से कितना इम्पैक्ट कर रहा था। वरना तो पहले ही डेव मेल्जर की तरफ से रिपोर्ट आई है कि जॉन सीना एंड रैंडी ऑर्टन एक टैग टीम मैच में आने वाले हैं, वो पागलपंती कर देते। कोफी किंगस्टन एंड डॉल्फ ज़िगलर का मैच आया 2 out of 3 falls। एक चीज कहना चाहूंगा, मजा आया जब कोफी किंगस्टन का पुराना वाला SOS थीम सॉन्ग सुनने को मिला। इट इज वन ऑफ माई फेवरेट थीम सॉन्ग, अभी भी बजेगा मैं खुश हो जाऊंगा, सच अ गुड सॉन्ग। डॉफ जिगलर विद छोटे बाल, ऑफकोर्स DQ से टाइटल रिटेन करी, उस टाइम पर विकी गरेरो भी थी। हाँ, मैच में मैं कहूंगा कि वर्क रेट के हिसाब से मैच ठीक था, एंड आई डोंट थिंक सो कि अगर मैं 10 साल पीछे जाके मैच देख रहा हूँ तो मेरे को कुछ एक्साइटिंग देखने को मिलेगा। उस टाइम की बात, आई डोंट नो। एल्बर्टो डेल रियो आते हैं, देन सीएम पंक, देन रे मिस्टीरियो, एंड इनके बीच मैच अनाउंस होता है फॉल्स काउंट एनीवेयर। ऑफकोर्स सीएम पंक मैच जीत जाते हैं, बिकॉज उसके बाद समर ऑफ पंक भी तो चलना था। समर ऑफ डेल रियो सुना है? नहीं, समर ऑफ पंक था, इसलिए सीएम पंक जीते। और तब उन्होंने अनाउंस किया कि भाई साहब, जो मैं जॉन सीना से लड़ूंगा ना, वो ऐसे ही नहीं लड़ूंगा, उस दिन मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है और मैं WWE चैंपियनशिप के साथ WWE छोड़ दूंगा। दैट वॉज द पॉइंट जहां से सीएम पंक का कैरेक्टर पूरा चेंज होने वाला था, एंड हमें एक नई चीज पता चली, ओ WWE चैंपियनशिप जीत के छोड़ा भी जा सकता है, क्या बात है, क्या बात है। बेसिकली विंस मैकमैन को धमकी दे दी थी कि ब्रैट हार्ट जो नहीं कर पाए वो मैं करूंगा। कोडी वर्सेस ब्रायन के बीच मैच देखने को मिला। यस, यू हर्ड इट राइट, डैशिंग कोडी रोड्स, जो कि डैशिंग नहीं रहे थे क्योंकि उनकी नाक टूट गई थी, वर्सेस डेनियल ब्रायन, जो कि काफी बच्चे से लग रहे थे। नो काउंट आउट मैच देखने को मिला था, डेनियल ब्रायन ने मैच जीता था। रोड्स एंड DiBiase ने पीछे से अटैक किया। वो वाला टाइम याद है जब कोडी रोड्स जो है बैग, पेपर बैग जो होता था वो लगा देते थे अपोनेंट के मुंह पे, और ऑडियंस को भी दे देते थे कि लो तुम पहन लो। आई वंडर कि वो अगर आज होता तो क्या होता, सोशल मीडिया फट जाता। हाँ मतलब AEW में होता तो नहीं फटता, लेकिन अगर WWE में होता तो ये क्या स्टुपिडिटी है, पेपर बैग भी रेसलिंग के अंदर कैसे आ गया। हाँ, एंड स्पीकिंग ऑफ रेसलिंग, अगला ही पता है सेगमेंट क्या था, डांस ऑफ। विकी गरेरो डांस ऑफ करने वाली थी किसके साथ, ऑडियंस की तरफ से चूज हुआ माइकल कॉल। इनके बीच डांस देखने को मिला और ऑडियंस ने चूज किया द विनर माइकल कॉल। यस, सच अ यूजलेस सेगमेंट, उसकी जरूरत नहीं थी। एंड देन फाइनली कम्स मेन इवेंट, जॉन सीना, रैंडी ओर्टन एंड एलेक्स रायली वर्सेस यस क्रिश्चियन, आर्ट्रूथ एंड द मिज। और ये मैच था बेसिकली एलिमिनेशन मैच। आई एम नॉट गोइंग टू से कि बहुत बढ़िया मैच था, बट एक रॉ मेन इवेंट के हिसाब से ठीक था, एज सच कुछ स्पेशल नहीं हुआ और एंडिंग में उतनी खास थी नहीं। जॉन सीना ने ऑफकोर्स मैच जीता, देन जॉन सीना रैंडी ओर्टन अपनी अपनी टाइटल के साथ खड़े हो गए रिंग के ऊपर और लोगों को खुश कर दिया। आई हेट जब WWE सुपरस्टार हमें खुश करते हैं, हमें चाहिए तबाही, हमें चाहिए कि जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन के बीच में लड़ाई हो, बट वो भी कितना लड़ेंगे यार, उस पॉइंट तक तो आते आते मुझे तो लगता है उनके बीच ऑलरेडी 100-200 मैचेस तो हो गए होंगे, वो भी थक गए होंगे कि छोड़ो यार तुम रो में रहो, मैं स्मैकडाउन में रहता हूँ। सो ये थी 10 साल पहले की 20 जून की मंडे नाइट रॉ, एंड 20 जून मैंने इसीलिए निकाला बिकॉज थोड़ा इसी टाइम से रिलेटेड है। अभी 17 जून हो रखी है और उस टाइम पर 20 जून यानी कि मेरा बर्थडे था। वाओ, ये मेरे को अभी रियलाइज हुआ। और बर्थडे की किसी ही परवाह पड़ी रहती है, हर साल तो आ जाता है मुंह उठा के। हाँ, उनके लिए बुरा है जिनका 4 साल में एक बार आता है, वो तो पूरा वर्ल्ड कप की तरह सेलिब्रेट करते होंगे। खैर, मैं सही बताऊं, पूरी मंडे नाइट रॉ में खास जो था मेरे को तो ऐसा कुछ खास लगा नहीं, एक्सेप्ट द सीएम पंक पार्ट। एंड वन थिंग आई कैन से कि इन टर्म्स ऑफ रेसलिंग एक्चुअली में WWE इम्प्रूव हुई है बहुत इन कुछ सालों में, बिलीव और नॉट, बट वेन इट कम्स टू इन रिंग रेसलिंग 2016 के बाद से बहुत इम्प्रूवमेंट आई है, बहुत ही ज्यादा। एनीवेज, कमेंट्स में तो मैं बस यही पूछ सकता हूँ कि आपका फेवरेट नॉस्टैल्जिया रॉ मोमेंट कौन सा, या फिर आपने जब पहली मंडे नाइट रॉ देखी थी तो उसमें क्या हुआ था,
कमेंट्स में लिखकर बताओ, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रेस्लिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच टम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है या मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेस को इसने आरकेओ था लगाया, फ्राइडेस को इसने आरकेओ था।